हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। मेरा चैनल पसंद है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो देखिए, मैं आई हूँ बैंक, यहाँ मुझे थोड़ा सा काम है और मेरा एक अकाउंट भी खुलवाना है। तो मेरे हस्बैंड मेरा फॉर्म फिल कर रहे थे, मैं यहाँ निरीक्षण में लगी हुई थी। हर बैंक में अक्सर हम जब भी जाते हैं ना, कुछ नया दिख जाता है और कई बार ऐसी चीज़ें रहती है जो नई नई रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर बैंक में हर जगह नज़र आती है। जैसे ये हो गया गोल्ड लोन का, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि अगर कोई काम शुरू करना चाहता है, वाकई में काम करना है उसको, तो वो अपनी कोई भी सोने की ज्वेलरी रख करके लोन ले सकता है, उसके बाद वापस पैसा इकट्ठा करके उस चीज़ को ला सकता है। और बुरा इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें रहती है, जैसे कपड़ा लगा हुआ रहता है किसी किसी ज्वेलरी में, तो उसको पूरा तहस नहस कर देते हैं। तो फिर हम जब घर वापस उन चीज़ों को लेकर के आते हैं, तो उनको वापस बनवानी और इसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। एकदम से उन चीज़ों को देखकर रोना सा आ जाता, आत्मा कांप जाती, ऐसा भी हो जाता है। राजपूती ज्वेलरी जो रहती है उसमें अक्सर ऐसा होता है, बाकी जो प्योर गोल्ड की चीज़ें होती हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लेते हैं और जैसे देते हैं वैसे की वैसे हम वापस ला सकते हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू रहते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो इस तरह से यही है। और मैं साथ ही वहाँ से आते हुए कुछ राशन लेकर के आई थी, जैसे आपकी भाषा में बोलूँ तो ग्रोसरी और हमारी भाषा में बोलूँ तो राशन वगैरह लेकर के आ गई थी। तो देखिए, ये पूरा राशन आ चुका है, पूरा तो नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाकी है। और मैं लाई थी बिल, तो अब हम करेंगे चेक इसको। मैं अक्सर सारे जब ज़्यादा सामान लाती हूँ, थोड़ा बहुत होता है तो अलग बात रहती है, लेकिन ज़्यादा लाती हूँ तब अक्सर ऐसा करती हूँ, उसे एक बार चेक कर लेती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ रखना भूल जाते हैं वो लोग जब रखते हैं हमारे इसमें बैग में, तो रह जाती है। इस वजह से मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि ला करके एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या ही जाता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो बस इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी सारा चेक कर रही थी। और आप में से कौन कौन करता है ऐसा ज़रूर बताइएगा, सामान चेक कौन करता है लाते ही। देखिए, तो मेरा तो ये सामान सारा है और मैं चेक करते जा रही थी। कई बार होता है चीज़ें रह जाती है, और देखिए मैं क्या करती हूँ ना कि जो सामान रहते हैं, जैसे 5 से 6 महीने की कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे गरम मसाला और ये चीज़ें हो गई, उनको मैं एक साथ ले आती हूँ 5-6 महीने के लिए। बाकी कुछ चीज़ें जैसे सर्फ हो गया, चाय शक्कर हो गया, साबुन हो गई, ये तो हर महीने के महीने हमें लाने ही रहते हैं, पेस्ट वगैरह ये। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो हम हर महीने नहीं लाएं तब भी चलता है, एक साथ इकट्ठा लाते हैं, और मैं भी इसी तरह एक साथ ले आती हूँ। और बासमती का टुकड़ी वगैरह भी लाई हूँ, ये देखिए मूंग भी लाई हूँ मैं, तो मैंने आज ही खरीद लिया था सुबह मूंग, तो इसकी दाल वगैरह बनेगी। और इस तरह से सारा मेरा सामान हो चुका है। और जो बासमती के टुकड़े रहते हैं ना, वो वाला चावल लाती हूँ मैं, वो काफ़ी बढ़िया लगता है, थोड़ा कम रेट में भी मिल जाता है और टेस्टी भी लगता है खाने में। तो बस इसी वजह से मैं अक्सर बासमती के टुकड़े वगैरह यही लाती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें बाकी है अभी मेरे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, ये भी मैं साथ ही पूरे साल का भर लेती हूँ, तो वो चीज़ें लानी है। गर्म मसालों में जैसे मेरे रह गया है तेज़पत्ता, वो लाना है। तो कई चीज़ें ऐसी है जो जिसे मुझे लाना रहेगा और 1 से 2 दिन में ही ला करके रख लेना है। गरम मसाले देखिए जितने भी रहते हैं ना, मैं एक बार को तो लाई हूँ, और हमारे घर में अधिकतर गरम मसाले ज़्यादा यूज़ होते हैं। और छोटे मोटे जैसे दाल वगैरह में तड़के में 1 से 2 लौंग ले लिए, इस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे जाती है, इस वजह से मैं पैकेट के पैकेट लाती हूँ, और 2 से 3 महीने तो इजीली पैकेट से निकल जाते हैं। तो देखिए, ये फास्ट की चीज़ें वगैरह भी ले आई थी मैं एक साथ ही, तो ये भी मेरे कुछ
चल जाएगा कुछ टाइम तक के लिए। बाकी तेल का अभी फिलहाल मैं ये छोटा केन लाई हूँ, फिर 15 लीटर का लाना है, तो जब तक ये चलेगा उसके बाद मैं 15 लीटर का लाऊंगी, फिलहाल ये ले आई थी। तो इस तरह से मेरी पूरी ग्रोसरी हो चुकी। तो आप में से कौन कौन ऐसा करता है मुझे जरूर बताइएगा, और मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। थैंक फॉर वॉचिंग।